अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? जैसा कि याद हो आपको, फिफ्थ चैप्टर हम कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शंस का, उसी टॉपिक में 5.3 में। नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से पहले हमने वो नाइन्थ क्वेश्चन किया, एक्स फोर थी, डिग्री फोर थी, हमने उसे रिड्यूस किया। अब के सामने क्वेश्चन में है, हमारे पास मैक्सिमम डिग्री जो चल रही है वो टू तक है, या लीनियर है या क्वाड्रेटिक, हम लीनियर और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी तरह का कुछ क्वेश्चन ये भी है, एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ भी डिग्री डिनोमिनेटर में आपको फोर नज़र आ रही है, और जैसा कि हमें आदत रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, हमें मैक्सिमम एक्स स्क्वायर तक चाहिए, हमें क्यूब भी नहीं चाहिए। हमने क्यूब वाला एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्यूब वाले पर क्यूब वाला फार्मूला लगा के उसे रिड्यूस करके डिग्री वन में और डिग्री टू में, लीनियर में और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया था, जो कि इस एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन था। अब इसी तरह का एक फोर पावर डिग्री फोर वाला है, यहाँ भी यकीनन हमने रिड्यूस करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन नाइन से इसकी डिग्री की जो फैक्टराइजेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। क्वेश्चन नाइन में आपको याद हो तो वहाँ हमारे पास वन माइनस एक्स फोर था, वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया था, तो उसे हमने ए माइनस बी ए प्लस बी में बड़ी आसानी से रिड्यूस कर लिया था। यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये ऐसी सिचुएशन है फैक्टराइजेशन की जिससे नॉर्मली हमारा वास्ता पड़ता ही नहीं है। आपके सामने एक्स फोर है, एक्स स्क्वायर है, प्लस वन है। अब फैक्टर तो मैंने इसके बनाने हैं, लेकिन वो जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन कंडीशन है वो आपको नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे, कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बड़ी रेयर सिचुएशन है इस क्वेश्चन में आपके पास। हम इस सिचुएशन का हल भी ढूंढते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो जैसे आपको नजर आ रहा होगा तीनों वैल्यूज जो यहां लिखी हुई है, ये तीनों के तीनों इटसेल्फ किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे एक्स फोर है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर है, और इन द लास्ट वन वो भी स्क्वायर है। लेकिन स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमें नॉर्मली दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, ये तीन है, ज्यादा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इस पहले वाले को एक्स स्केयर का स्केयर और थर्ड वाले को वन स्केयर, ये हम कंबाइन कर लेते हैं। ये दो नंबर हमारे पास अब सिचुएशन दे रहे हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर की, समझ आ रही है चीजें? अब ये जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की शक्ल बना रही है, हमें अगर स्केयर कंप्लीट करना हो, कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड्स की बात कर रहा हूं, तो हमें 2ab चाहिए होता है। आपको याद हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस का 2ab होगा, तब जाके ये a प्लस बी होल का स्केयर बनेगा। तो मेरे पास ए स्केयर और बी स्केयर तो आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन 2ab मेरे पास नहीं है। तो जब कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड की बात कर रहा हूं, तो याद करें कि कंप्लीटिंग स्केयर में क्या होता है, कि स्केयर इनकम्प्लीट होता है, हम उससे कंप्लीट करते हैं। तो यहां भी हम वही सिचुएशन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, 2ab मेरे पास नहीं है, तो इनका 2ab वो मैं खुद ऐड करूंगा, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस टू एक्स स्केयर, ये है आपका 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, समझ आ गया कि 2x स्क्वायर कैसे आया। अब क्योंकि ये रकम पहले तो नहीं थी मेरे पास, यहां वो तो तीन वैल्यूज थी, मेरे पास ये x स्क्वायर था, मैंने उसकी जगह 2x स्क्वायर लिखा है, तो नया नंबर लेके आया हूं, ऐड किया है, प्लस आपके सामने है। आप जो चीज ऐड करोगे खुद से लेके आओगे तो उससे माइनस भी करोगे। ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है, ये जो थर्ड नंबर पर पहले आ रहा था, अब मैं उसे लास्ट में फिफ्थ पे लिख रहा हूं, पहले भी लास्ट पे था, अब भी लास्ट पे है, लेकिन पहले थर्ड पोजीशन पर था, अब वो फिफ्थ पर चला गया। वजह कि ये जो 2x स्क्वायर है इसका हमने इजाफा किया, प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब ये जो प्लस वाला है ये तो इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की कंडीशन पूरी करेगा, तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, हो गया कंप्लीट स्क्वायर। अब ये जो लास्ट टू वैल्यूज बची हैं, इनको भी हम इस तरह नहीं रहने देंगे, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर है वो प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का टू प्लस का वन कितना होता है भला, माइनस का वन, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, चले इसी से लिख लें,
माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसने फिर आपको एक ऑप्शन दे दिया, माइनस है बीच में, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर है, तो नंबर ए कह ले, तो ये ए स्क्वायर है और ये क्या नजर आ रहा है, बी स्क्वायर, और इनके दरमियान में क्या है, माइनस है। तो हम हमेशा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ अशर क्या करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, फैक्टर बन जाते हैं। तो हमारा मकसद यहां फैक्टर ही बनाना है, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ए प्लस बी, क्लियर हो गया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस बी, ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। वो जो कंडीशन है हमारी कि हम तब तक फैक्टर इस पर पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन पर नहीं जाते जब तक हमारी जो डिनोमिनेटर वाली पॉलीनोमियल है वो मुकम्मल फैक्टराइज्ड ना हो। तो यहाँ पावर फोर थी, पावर फोर्स के बारे में फिलहाल वैसे मुझे नहीं आइडिया, आपको पता है हम लीनियर और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो इसे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो हमने बनाया, नॉर्मली इस तरह की फैक्टराइजेशन हमें नहीं नजर आती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो हमारे पास था, हमने 2ab 2x स्क्वायर ऐड भी किया और माइनस भी किया, तो ये जो ऐड किया वो तो इसके साथ मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की कंडीशन में, लेकिन जो माइनस किया वो भी ऐसे नहीं बचा, वो तीसरे पांचवें नंबर के साथ जो हमारा तीसरा थर्ड नंबर था एक्चुअली स्टार्ट में, उसके साथ सब्ट्रैक्ट होके माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमें ऑप्शन दे गया वो, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, तो हमने ए प्लस बी बनाया और ए माइनस बी बनाया। यहां आपके पास ये ए की पोजीशन पे है और ये बी की पोजीशन पे है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो क्लियर नजर आ रहा होगा अब आपको ये प्रॉब्लम कि ये ए प्लस बी बन गया और वो ए माइनस बी बन गया, तो समझ आ गया प्लस एक्स और माइनस एक्स, वो जो प्लस माइनस किया वो कहां है। तो इस तरह से हमने एक रेयर फ्रैक्शन को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, ये x4 प्लस x2 प्लस 1 था, उससे मैंने दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये यूजुअल कंडीशन हमें पहले नहीं मिली यहां कि हमारे पास अब दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं और दोनों फर्दर रिड्यूस्ड नहीं हो सकते, तो हमें इसी के साथ ही चलना पड़ेगा। इस वाहिद क्वेश्चन में आपके पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक कंडीशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। तो दोनों आपके पास चार वेरिएबल्स की फॉर्म में दो फ्रैक्शंस आ गई, पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इनमें ए बी सी डी वो चार वेरिएबल्स हैं, वो आपको फाइंड करने हैं। तो नॉर्मल रूटीन, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से, इधर भी मल्टीप्लाई होगा उधर भी मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा खत्म हो गया, ए एक्स प्लस बी के साथ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और सी एक्स प्लस डी के साथ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहां माइनस वाली रकम आ गई यहां प्लस वाली रकम आ गई। अब एक और चेंज हमारे पास जिसकी हमें आदत नहीं रही इस पूरे चैप्टर में, पहले वाले क्वेश्चन में, अब तक हम क्या करते आए हैं, हमारे पास इन दो अगर दो फ्रैक्शन है तो दो में से किसी एक में लीनियर होता था, अगर तीन है तो तीन में से किसी एक में लीनियर होता था। अब यहां ऐसा क्या है, आपके पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर में किसी पार्शियल फ्रैक्शंस का, तो जब आपके पास लीनियर फैक्टर नहीं होता तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो जो अल्टरनेट मेथड अब तक हम उसे चलाते आए, अब हमारा फुल मेथड हो गया, अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में कोई आपकी इक्वेशन टू नहीं बनने वाली, बनाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, हम नहीं बना रहे, वो इक्वेशन वन ही है, इक्वेशन जो टू बननी थी हम उसी को डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास है नहीं कोई फैक्टर। तो ए एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स क्यूब, ए एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, यही ए एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स, क्लियर हो गया। तो ए एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट बारी किसकी थी बी की, तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस का बी, तो ये दो रकमें इन तीन रकमों से मल्टीप्लाई होके ये टोटल आपकी छह टर्म्स बन गई, समझ आ गया। इसी तरह का प्रोसीजर हम इन दोनों पे भी करेंगे, ये
जो छह वैल्यूज हैं, जो पहली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आ रही हैं, वो मैंने ब्लैक से लिखा है आपके सामने, और नेक्स्ट वालों को ब्लू से लिख रहा हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कौन सी रकम में आपने पहले दो को मल्टीप्लाई करके की है, कौन सी दो बाद में। तो ये सी एक्स है, सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, क्लियर। देन डी मल्टीप्लाई होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस का डी, मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लीकेशन समझ आ गई। अब जब आप सिंपलीफाई कर लेते हो तो आपका अगला स्टेप क्या होता है, आप कोफिशियंट्स कंपेयर करते हो। अब इस बार सारे के सारे कोफिशियंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बार, जो आप पहले चला लेते थे किसी क्वेश्चन में चलाया किसी में ना चलाया। आपको सारे वेरिएबल्स जितने यहां हैं सबके कोफिशियंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। तो हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स नॉट। एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नहीं है नजर आ रहा है, उसके लिए जीरो। राइट हैंड साइड पर एक्स क्यूब का कोफिशियंट ए है और एक्स क्यूब का कोफिशियंट सी है, तो ये ए प्लस सी आ गए। नेक्स्ट बारी किसकी थी, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर के साथ यहां माइनस ए है, प्लस का बी है, प्लस का सी है और प्लस का डी है, चार वैल्यूज थी। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेफ्ट हैंड साइड पर इनके लिए क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इट मींस उसका कोफिशियंट क्या है, वन आपके पास, ये हमने लिख दिया। उसके बाद किसकी बारी, एक्स की। एक्स का लेफ्ट हैंड साइड पर कोफिशियंट क्या है, माइनस टू, ये लिख दिया। राइट हैंड साइड पर कोफिशियंट ढूंढने जाते हैं एक्स के, तो ये प्लस का ए एक्स माइनस का बी एक्स, तो प्लस का ए माइनस का बी, देन सी भी प्लस का और डी भी प्लस का, तो यहां भी चारों वैल्यूज आ गए, क्लियर हो गया। रह गया लास्ट कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट थ्री है, ये थ्री, और राइट हैंड साइड की बात करें तो दो कांस्टेंट है, एक प्लस का बी है एक प्लस का डी है, ये हमने लिस्ट डाउन कर लिए। तो हमने चारों वेरिएबल के कोफिशियंट्स लिस्ट डाउन कर लिए, उनकी चार इक्वेशंस बन गई। अब ये चार इक्वेशंस मेरे लिए मजीद थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले अब तक हमें आदत रही है कि जब हम ये इक्वेट करते थे कोफिशियंट्स को कंपेयर करते थे तो हमारे पास कोई एक वेरिएबल या दो वेरिएबल की वैल्यूज नॉर्मली पहले होती थी, हम उन्हें यूटिलाइज करते थे, किसी एक इक्वेशन पुट किया दूसरे से वैल्यू आ गई उसमें फिर चेन बना के चल लेते थे। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, यहाँ ए और सी दोनों आ रहे हैं, इन दोनों में ए बी सी डी चारों आ रहे हैं और लास्ट वाले में बी और डी है। यहाँ सी, अगर यहाँ भी कहीं सी होता तो चलो हम प्लस माइनस करके कोई ना कोई कोशिश कर लेते बना लेने की, अब ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम बढ़ गई है। नॉर्मली हमें आके बड़ी कन्फ्यूजन की यार अब क्या करें, हमारे पास किसी की वैल्यू तो डायरेक्ट आ नहीं रही। तो तीन चार मेथड्स हैं इसे सॉल्व करने के, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करते हैं वैल्यूज, उसमें इक्वेशन ज़्यादा बन जाती हैं टाइम ज़्यादा चल जाता है। कुछ ये है कि जी ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें और उससे बन जाता है। हम जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है उसकी तरफ जाएंगे, आसान भी है और शॉर्ट भी है, वो समझना भी आसान है। आपको इक्वेशन वन में ए और सी नजर आ रहा है, इक्वेशन फोर में बी और डी नजर आ रहा है, बाकी दो इक्वेशनों में चारों हैं, जबकि इन दो इक्वेशनों में दो दो वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसा इन दोनों का ट्रेंड है वैसा ही इनका भी बना लेते हैं। मैं वन और फोर को ऐड कर लेता हूं ताकि अगर ये दोनों चार चार वैल्यूज वाली रकमें हैं तो हमारे पास ये दोनों भी इकट्ठे हो जाए, चार इकट्ठी हो जाए, ट्रेंड मुकम्मल कर लेते हैं। तो हम वन और फोर को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, थ्री और जीरो, ये ऐड होके आपके पास थ्री आएगा, ये मैंने लिखा हुआ है बाय एडिंग वन एंड फोर। वन और फोर्थ को ऐड किया तो हमारे पास थ्री आ गया इक्वल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, मेरे पास जो इक्वेशन टू थी और इक्वेशन थ्री थी, ये इक्वेशन टू लिखी हुई है, इस इक्वेशन टू में ए माइनस का है बी सी और डी प्लस का है, अगर मैं ऐड करने जाता हूं तो एक रकम कैंसिल हो सकती है बाकी तीन ऐड हो सकती हैं, ऐसा है, हम उसे उलट चलेंगे, हम ऐड नहीं करते हम माइनस करेंगे, तो वो जो रिजल्ट आना हो रहेंगे वो भी उलट जाएंगे, जहां आप क्या ऐड करने से आपको तीन वैल्यूज बच रही हैं वहां माइनस करने से तीन कट जाएंगी। ये आपके सामने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने का क्या होता है कि साइन चेंज करने पड़ते हैं। अब जब आप साइन चेंज करोगे
तो ये जो तीन बच रही थी पहले वो तीनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो 3-1 कितना हो गया 2। ये पहले जो कैंसिल होना था ऐड होने से वो अब एक्चुअली ऐड होंगे। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। तो 3 रकमें उड़ गई, 1 रकम बच गई, मुझे बड़ी आसानी से a की वैल्यू मिल जाएगी। a किसके बराबर आ गया 1 के, काम कम हो गया आपका। अब जैसे a की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन 1 में a और c थे, तो वहां इक्वेशन 1 में भाग के इसे a की वैल्यू को पुट कर दें ताकि आपको c की वैल्यू मिल जाए। a की वैल्यू 1 पुट की, 1 प्लस c, 1 उधर शिफ्ट होगा, ऐड हो रहा है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ये -1 आ गया। a और c की वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब रह गया b और d। अगेन मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, हम वही ऑप्शन चलाते हैं जो हमने पहले किया, उसी तरह का काम। मैंने पहले कहा कि 2 और 3 दोनों इक्वेशन में a b c d चारों रकमें हैं। पहले मैंने 2 माइनस की तो उससे 3 रकमें कैंसिल होगी। ऐसी ही सिचुएशन आपको इक्वेशन 3 भी दे रही है। अगर मैं 5 से 2 को माइनस कर सकता हूं तो मैं 5 से 3 को भी माइनस कर सकता हूं। अब ये है, मैंने इक्वेशन 3 लिखी हुई है, ये इक्वेशन 5 है आपकी एज इट इज। -2 था, a माइनस बी प्लस सी प्लस डी था, यहां भी एक वैल्यू माइनस की है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होने की वजह से 3 रकमें यहां भी कैंसिल होंगी। a से a कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, d से d कैंसिल होगा। तो ये 3 प्लस 2 आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। ये 3 प्लस 2 आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। और यही 2 जब वहां जाके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5/2। क्लियर? इसी b की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। जब हम 5/2 पुट करेंगे, यही 5/2 उधर जाके माइनस होगा, माइनस होगा तो d की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी। एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 3 6 6 -5, ये d की वैल्यू आ गई 1/2 आपके पास। तो यही a b c d की वैल्यूज हमने इन द एंड ला के इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 में क्या था, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। तो अब आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5/2, c की वैल्यू -1 और d की वैल्यू +1/2। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, सॉरी फ्रैक्शन में है, डिवाइड ही हो रहा है, तो इसका एलसीएम लेंगे। आपको पता है 1 + 5/2 का एलसीएम लेंगे, 1 प्लस का मतलब x, तो 2 एलसीएम आएगा 2x + 5। ये आपका 2x + 5 है, और जो 2 डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। ऐसी सिचुएशन आपके पास यहां भी होगी, 2 एलसीएम लिया -2x + 1 और ये जो 2 डिनोमिनेटर में था वो बटा के नीचे चला गया। क्लियर? तो ये एक यूनिक क्वेश्चन था आपका यहां इस पूरी एक्सरसाइज में, बेसिकली पूरे चैप्टर में, जहां आपको फैक्टराइजेशन वो करनी पड़ी जिससे आपका नॉर्मली वास्ता नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशंस ऐसी बची कि आपके पास कोई लीनियर फैक्टर था ही नहीं, तो आपको किसी की वैल्यू मिली नहीं, पहले मिली नहीं, तो आपको सबको कंपेयर करके फिर उनमें से इक्वेशंस को बना के ऐड सब्ट्रैक्ट करके फिर जाके आपको वैल्यूज फाइंड करनी पड़ी। किसी की वैल्यू आपको सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिली, जैसे कि इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको फैक्टराइजेशन भी डिफरेंट करनी पड़ती है और फिर वैल्यूज की जो इवैल्यूएशन है ए की, बी की, सी की, डी की, वो भी आपकी नॉर्मल रूटीन से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।